नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। पिछला समय में राजनीति घटनाक्रम के जो बात करी तो नेकपा में तीव्र विवाद देखल जा रहा है, सहमति के प्रयास जारी है। पिछला किछु दिन से बात करी तो एक विदेशी या कही चीनिया राजदूत के दौड़ धूप से हो शुरू भ गेल है। नेपाल के आंतरिक मामला में जेना कि पहलों से किसिम से अ विषय में चर्चा होत आयल छे कि नेपाल के राजनीति में कतौ ने कतौ विदेशी हस्तक्षेप होत आबि रहल छे। तेकर ज्वलंत उदाहरण पिछला किछु घटनाक्रम से देखल गेल है। एकरा विश्लेषक सब कोन रूप में लड़ रहल छे ओ विषय में चर्चा करब आइ। तैके बाद नेकपा में जे विवाद चल रहल छे एकर समाधान के प्रयास अखन जे जेना चल रहल छे ई केहन छे, केहन किस्म के ई खेल चल रहल छे। समय बाकी रहला पर नागरिकता के विषय में और समसामयिक राजनीतिक विषय में सेहो बातचीत हेतै। ताई जुड़ल छे काठमांडू से प्राध्यापक, राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक छे विजय कांत कर्ण, ओ पूर्व राजदूत सेहो रह चुकल छे। विजय जी, कार्यक्रम में स्वागत करै छी। धन्यवाद। शुरुआत नेकपा के पिछला विवाद के लग कर चाहे छी, जे हिसाब से संसद अधिवेशन अंत्य कल गेले, पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण से अधिवेशन के अंत्य कल गेले से कहल जा रहल छे। ई विवाद के अपने कोन रूप में लड़ल छी? नेपाल के अखन के अवस्था में नेकपा के विवाद बहुत ही गैर संवैधानिक तरीका से और नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम में एकरा देखला पर बहुत ही गैर राजनीतिक ढंग से विकसित भ रहल है। यद्यपि कि नेकपा के विवाद आइए से नहीं है, जी एक बेले वो समय विवाद रहे आ शुरू से आई तीन अढ़ाई तीन वर्ष से विवाद चलिए रहल छल। खास कर के जहिया से एकता भेलै ओहि समय से अढ़ाई वर्ष कहियो किछु नया नया बात सब अबैत रहे, भीतर के समझौता सब बाहर अलग केना चुनाव जीत के लिए कौन कौन मैकेनिज्म बनाएल गेल रहे से सब मैकेनिज्म आप सरफेस पर। सबसे पहले मैकेनिज्म रहे जे नेकपा के दूटा पार्टी, अखन हम दुए टा पार्टी देखे छी, ओहिमे आब तो तीन टा पार्टी भ गेल छी। ओहिमे तो दुनू पार्टी के बीच के जे एकता रहे से एकता कैल गेल, ओकर एकता दोसर ओ एकता भेलै नहि। दोसर है जे भारत के विरोध करी, राष्ट्रवाद जन्माई, मधेश के विरोध करी और मधेश विरोधी राष्ट्रवाद जन्माई और ओकरा आधार पर पहाड़ में और हिमालय क्षेत्र में मधेशी थारू सबके विरोध क के भारत के विरोध क के राष्ट्रवाद जन्मा के वोट वही माध्यम से वोट ले। अब सब बातचीत धीरे 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 कौन कौन एग्रीमेंट बन रहे सबके सामने में है। अखन के विवाद ई भ रहल छै जे संविधान के ही और संविधान द्वारा निर्मित राजनीतिक संस्था सबके अवमूल्यन करके काम सरकार खास कर के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली आ हुनकर पार्टी आ हुनकर पार्टी के नेता सब कर रहल छै। सबसे पहले ओ संसद के अवमूल्यन कयने छथि, ओकरा बाद में राजनीतिक दल सब के अवमूल्यन कयलथि, ओकरा बाद में नेपाल के जतेक संवैधानिक अंग सब छै खास कर के सभा मुख्य ऑफिस, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग के ऑफिस, राष्ट्रपति के कार्यालय, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कार्यालय, इस सब के दुरुपयोग अपना व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छा और शक्ति के प्राप्ति के लिए राजनीतिक सत्ता में टिक के लिए प्रधानमंत्री कह रहा है। सही कह रही है संसद के अचानक संसद के बिना सभा मुख के जानकारी के संसद साइन डाई कैल गेल, बंद कैल गेल संसद के अधिवेशन। इस सब बात देखला पर की लगे छे जे प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली के कानून नियम संविधान रूल रेगुलेशन से कोनो मतलब नहीं छे। जतय जतय ओकरा केना हटाएल जेतै ओकर प्रयत्न आइ से चार महीना करीब अप्रैल के फर्स्ट वीक में अहाँ सबके बुझल अइ जे अप्रैल में बैसाख में ओ की कलक जे राजनीतिक दल के तोड़ा के लेल दोसर राजनीतिक दल सबके तोड़ा के लेल विधेयक लड़े अध्यादेश लड़े
ओकरा बाद में संवैधानिक परिषद के व्यक्तिगत हित में प्रयोग करे के लिए सत्ता के दुरुपयोग करे के लिए उलाल रहे लोग के विरोध भले राजनीतिक दल सब अपना के संभाल ललक ऐसे नहीं टूट अरे ढंग से देख ला अखन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भागी देखल जा रहा है कि रूप से उनका पार्टी के विवाद उन्हों पार्टी में नहीं कोनो नमहर बात नहीं छे लेकिन कोई विवाद के व्यवस्थापन कर के लेल राज्य सत्ता के प्रयोग करी राजनीतिक राज्य के सरकार के अंग सब के दुरुपयोग करी ये बहुत ही गैर संवैधानिक गैर लोकतांत्रिक विधि और प्रक्रिया से एकरा वास्तव में जो विपक्ष में राजनीतिक दल सब छे खास कर नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी और आरो जे छोट छोट पार्टी सब है सेकर एकर सशक्त प्रतिरोध कर चाहे चले लेकिन अखन जे विवाद किसिम से चरम उत्कर्ष में छे ओना सहमति के प्रयास तो चल रहल छे संसद समेत विघटन कयल गेलै अ ई पार्टी के विवाद चरम उत्कर्ष में पुगल अवस्था ई छे एकरा जे हिसाब से पिछला घटनाक्रम सब किसी देश में भेलै या जना नया नक्शा सार्वजनिक कयल गेलै परिमार्जित नक्शा कही या संशोधित नक्शा कही या सही नक्शा कही एकटा जे सार्वजनिक कयल गेलै एकटा नक्शा के बात भ सकै छै दोसर नागरिकता विधेयक जे लेल ऊपर बहुत विरोध भेलै आ तेसर बात पार्टी भीतर में एकटा सहमति रहै हिनका सबके बीच कि अढ़ाई साल एपी शर्मा ली उसके बाद अढ़ाई साल प्रचंड तो अपने के की लगे अखनका जे विवाद है तेकर जड़ कोनो अगर एकटा कहे पड़े से है या ये सब जड़ है एकर दूटा एकर विवाद के दूटा है सब सत्ता के महत्वाकांक्षा एक पहला विवाद है भरत प्रसाद ओली एक बड़ा नीक स्वभाव है वो कोनो समझौता कर लेता है लेकिन पालन करने के लिए जरूरत नहीं महसूस आए वर्ष में हमका देखबे प्रधानमंत्री के बढ़िया से आंख खेल के नयाब तो शुरू से रहा तो अखन तक बहुत समझौता प्रचंड जी से कर ले शेर बहादुर जी से कर ले समझौता कर ले पालन नहीं करे कोनो उदाहरण कोई चाहिए तो मां के खड़ग प्रसाद ओली बेस्ट उदाहरण दुनिया में भेट जाए नेपाल में समझौता करे छे पालन नहीं करी कोन कोन अर्थ कथी लड़ने कथी बात आई काम चल गए बाद में देखल सब कि जो प्रचंड से डील करते 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 हमका सब आश्वासन सब होते होते कहियो छह बुधे कहियो पांच बुधे कहियो दू बुधे कहियो अहाँ कार्यकारी अध्यक्ष भ जाओ हम सरकार चलाब अहाँ पार्टी चलाओ ये सब करते 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 सब एक्युमुलेट मिले एक जमा होकर बाद में बीच में कले थे कि प्रचंड के बेइज्जत कले माधव नेपाल के बेइज्जत कले जेल में धारित रुपये फिर जब उनका आदमी सब अंट बजित रहे सबसे महत्वपूर्ण बात जे आधुनिक नेपाल के सबसे भ्रष्ट सरकार सरकार वाइट बॉडी कांड ऑप्टिकल फाइबर कांड एती कांड ओमनी कांड अखनो लूट के जे सिलसिला तौर तो हम अहाँ के 25-30 एहन एहन प्रोजेक्ट बताए जिनमें कम से कम 1 अरब से नीचा कतो भ्रष्टाचार नहीं भेल छै करोड़ के दम बातें नहीं कर रहा थी करोड़ में तो सैकड़ों में चल गया अब जे हिसाब से प्रधानमंत्री के राजीनामा मांगल गेले है नहीं नाम लेत ना होय छी भ्रष्टाचार के सब जमा भेले राजनीतिक आश्वासन सब समझौता सब सब एक ठुमन जमा होय गेल ई जमा होते होते अब ई गर्दन तक डूबे के पहुंच गेले स्थिति तखन ई जाकर जब ई पार्टी विभाजन के बात लेलखिन लेकिन प्रधानमंत्री तो कहे छै ई तो विदेशी हस्तक्षेप छै विशेष के बात चल खेल कर रहल छै जी ई सब जे जमा भेलै या ई सब जमा भेलै तब बैठल बैठावल एकटा हिनका मुद्दा भेट गेलै नक्शा नेपाल के नक्शा ओ की कहल जाइ छै जे भारत के रक्षा मंत्री के कहियो जे आखिर रोड तो बहुत पहले से बने चले ना उनका शायद समझ में नहीं आ रही हम उदाहरण नहीं करना चाहिए से उनका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के कहीं गलती से ही बैठल बैठा और इनका एक मुद्दा बैठ गए नहीं तो इनका आई जो अवस्था से 3 महीना पहले भगल रहे बैसाखे में ये अवस्था के निर्माण वही से भगल रहे नक्शा अल नक्शा बैठ गए तो बैठल बैठल इनका राष्ट्रवाद के दोसर मुद्दा बैठ गए ओकरा बाद में रात दिन भारत विरोधी 20 दमन करा लगे
आज इनका कहियो भारत मतलब अपने के ई लगे है जे नक्शा जे आल रहे नया नक्शा जे लै ई कुर्सी के लेल आनल गेले से अपने कह रहल छी नहीं से हम नहीं कह छी नक्शा कुर्सी के लिए लिया थी कि सभी बात की बने नक्शा है इनका लग में कुर्सी बचावा के लिए नक्शा इनकर एक माध्यम बन गए माध्यम जी माध्यम बन गए लेकिन भले ही जते रोड पहले तो अर्जुन रोड बने चला मेरा पता नहीं चला रोड आई 8 वर्ष से बने चले इनका नहीं पता रहा 8 का 13 वर्ष से बने चले वास्तव में 2007-8 से बने चले इनका नहीं पता रहा इनका परराष्ट्र मंत्री का पता रहा है लेकिन इनका नहीं पता रहा इनका परराष्ट्र मंत्रालय का पता रहा है लेकिन इनका नहीं पता तब बैसल बैसा इनका एक मुद्दा भेट गए और नक्शा पर ये कूदल रखी एतें कूदल में नक्शा ले ले ठीक है लेकिन नक्शा ले जाते ही संसद से अनुमोदन करवाओ के पक्ष में चले आ संसद से अनुमोदन कराव से पहले और बाद में जते इनका भीतर 20 सब रहन बैसल से सब भारत विरोधी राष्ट्रवाद के नाम में कहियो भारत के राष्ट्रीय सिंबल के बारे में कहियो वायरस के नाम से कहियो किछ होते होते एक पहिने 10 दिन पहिने तक कह देलखिन जे भारत हमरा हटाबे के चाहिए अपना पार्टी के सब नेता सब के भारत के दलाल बना जी। अब उनका हुनकर जे ई अभिव्यक्ति आवा सब पहिने किछे दिन पहले नागरिकता विधेयक संसद में पहुंचल छले समिति से पास कर हम अब ऊपर अब छ जी जी एकरा कोन रूप में लड़ देखियो ई की छे जे ई केना छे जे नागरिकता विधेयक में केना बात छे ई मधेश के सवाल से जुड़ल छे मधेसिया के दई नेपाली माने छे नेपाल के सरकार और नेकपा पार्टी जे छे से मधेसी और मधेस के नेपाल मधेस के तो नेपाल मानी छे मधेस के जगह जमीन में बहुत इंटरेस्ट छे लेकिन मधेसिया के नेपाली नहीं पूछी छे तो मधेसिया के जे भारत संग संबंध छे वो नेपाल देश बना से पहले संबंध छे वो सब संबंध के केना कट ऑफ कैल जाए तो जना संविधान जारी काल कर काल में सोरबुदे समझौता बे ओकरा बाद में संविधान जारी भेल मधेश विरोधी संविधान जारी भेल ओकरा बाद में 52 आदमी मधेसिया के हत्या कैल गेल इस सब के सिलसिला के श्रृंखलाबद्ध श्रृंखला में हम एक नया श्रृंखला देखे छी जब मधेश पर बड़का भारी आक्रमण केने छल जब मधेश के सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक संबंध लोग कहे छे आ हम पारिवारिक और जीवन के संबंध देखे छी हम परिवार देखे छी हमर मातृ छी तो हमर मामा के हमर माय के घर छी तै से हम अपना अपन ओठमन के पार्ट के हम अपन अपन पार्ट के रूप में बुझी छी तै से हम पारिवारिक संबंध बुझी छी के हम अइ ढंग से एकरा परिभाषित करै छी जीवन के संबंध बुझी छी जे अइ ठमन के जीवन ओइ ठमन के जीवन केना जुड़ल छै हम जातीय उ संबंध देखै छी जे किछ जाति जे नेपाल के छै सेकर वैवाहिक संबंध नेपाल में नवन समुदाय जे छै तै से ओकर भारत में जाय किसी एहनो जाति छे उत्तर प्रदेश और भारत में बिहार वेस्ट बंगाल में जेकरा नेपाले आवे पड़ते और ई नेपाल देश भारत आधुनिक नेपाल और आधुनिक भारत मनो से पहिने से संबंध छे अइ पर ई बहुत बड़ा आक्रमण कले छे इनका यो एकटा भेट गेलन मुद्दा जे अखने राष्ट्रवाद के यह चरम उत्कर्ष में त अइ मुद्दा में अपने के केना लगे प्रधानमंत्री फेल भ गेले जे हिसाब से नक्शा के विषय के बात करी त एकटा राष्ट्रवादी एहन किस्म के वाहवाही उनका संपूर्ण देश से भेट लेने लेकिन ओहने किस्म के वाहवाही हमारा नागरिकता विधेयक में भेटत से एक हुनका में कतो ने कतो रहे नहीं तो वही जो कतो फेल भ गेले से अपने के लगे देखो जे अनुसार के शर्त नक्शा बनाना है जी अजय जी नक्शा बनाना है और नक्शा पब्लिश करना है कोनो बहादुरी के बात नहीं छी अपना घर के चाउर एक कोठी से निकाल कर दूसर कोठी में धा दी छोटकी कोठी के नमहर कोठी बना ली तो कोनो नमहर बात नहीं बात तो इसे जो कोठी राखे वाला जो जगह है से ओठमन जो वो भूमि प्राप्त भेले कि नहीं भेले वो भूमि प्राप्त कर के लिए प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद मौर्य जी की प्रयत्न के लिए तो भूमि प्राप्त करे में कोनो इंटरेस्ट नहीं है भूमि प्राप्त करे खाली प्रयत्न है जे नक्शा पास करी हम बहादुर छी हम राष्ट्रवादी भ गेली बस बात खत्म
भारत के हम जाकर चलिए हम बहादुर सिंह हम हम वहां हमारे से बढ़कर राष्ट्रवादी के देश में दुनिया में महेंद्र राय चतुर्भुज पृथ्वीनारायण सर अकरा हमी जन्म सिंह अई बात के भजावा के लेल और नेपाल के में जे एकटा जहर युक्त राष्ट्रवाद के विकास भेल छै 50 60 70 वर्ष से ओकरा बारे में खाली ई काज करे के लेल आगे की कॉलेज के जे प्रयत्न भेल नक्शा से ये नक्शा के श्रृंखला में नागरिकता लगा ली थी जे नागरिकता 7 वर्ष वाला लगा एक तरफ मधेशियों के आक्रमण कर देवे आ दोसर तरफ की कर भेजे मधेश के लोग तो बचीते रहे थे ओकरा संगे संगे हम अधिक की कहल जाए जे राष्ट्रवाद में मारो एक एक श्रृंखला आरो थक जाए हमारा में एक किता हमारा मारो लोग कह बाप रे बाप एहन महान राष्ट्रवादी के छल इस सब के श्रृंखला में देखे छे इस सब खड़क प्रसाद ओली जी के जी तो अपने के की लगे जे नागरिकता इस सब के चलना भेला से एक लाइन में कह दे छे इस सब जे इस भेला आई 2 महीना में 3 महीना में जते की नाव नौटंकी भेला नेपाल में इस सब नौटंकी हुनकर करप्शन अपना आंतरिक पार्टी के विवाद के व्यवस्थापन इस सब कला के बावजूद भी प्रचंड जी ओली जी के मीटिंग में कॉल की इंडिया एक महिला मायक राजनामा माधव नेपाल जी कॉल की मायक राजनामा बामदेव जी कॉल की महिला मायक राजनामा जलनाथ खन्ना जी कॉल की महिला मायक राजनामा इनका पार्टी के 3 पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री सब आरो इनकर पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व 9 में से 6 कहल गए यहाँ रिजाइन अहा असक्षम छी अहा शासन अहा करप्ट छी अहा सब पार्टी के यहाँ बर्बाद कर दे अहा देश के बर्बाद कर रहल छी ताहि से अहाँ राजना लेकिन सड़क पर तो प्रदर्शन होइ छै ने कि तो सड़क पर नहीं पावे के चाहिए सरकार नहीं गिरे के चाहिए अखनका राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री रह के चाहिए से के तो प्रदर्शन होइ छै ने तो राजा ज्ञानेंद्र के प्रदर्शन होइत रहै छै नहीं देखै छियै जनकपुर में 5 ठाड़ भाग कहते राजा उद्देश्य बचल बीरगंज में 20-25 गोटे ठाड़ भाजे अति लगल रोटी पहन कर चट से गर्दन में लटका कर आ कहते राजा उद्देश्य बचल आ राजा जो कतौ जाए तो लोग जेना की कहे शाहरुख खान के ओकरा राजा पहले नहीं लोग भेटित रहे आई कल रास्ता में भेट जाए तो कहते रे के छू चल तो नहीं देखे जेना मदारी हो गई लोग जमा हो जाते ना तो ओली जी के असर ओली जी के पार्टी को 8 सदस्य उनका समर्थन में आम जन समुदाय कतौ न देख लिए ओली साइड 70 छोड़ा सब रहे तो मंडला में तो 8 में प्रधानमंत्री छे ते बड़का हुंदा लग में शक्ति सामर्थ्य छे 1.5 तो सड़क पर आबु चाहिए ने काठमांडू में तुम अपने के अपने के अपने तो राजनीति शास्त्र शास्त्री छियो छिए तो अपने के जे विश्लेषण जे अनुसार से ले तो ई अपने के रहल छी जे विभिन्न किस्म के विकृति सब जे कैल गेले सरकार से जना भ्रष्टाचार के बात के लिए अपने और अनियमितता के बात सब के लिए अपने ई सब के झाप टोप करे के लेल नक्शा के विषय उठाओल गेले नागरिकता के विषय उठाओल गेले लेकिन ई तो अपने कहले जे हिसाब से कि कुर्सी बचाबे के लेल अते कैल गेले लेकिन एकर इम्पैक्ट तो एकटा नकारात्मक इम्पैक्ट तो पड़े जै हिसाब से नेपाल भारत के संबंध नहीं पौराणिक ऐतिहासिक पारिवारिक बेटी रोटी के एक संबंध कहल जाए छे तो इस संबंध में जे प्रभाव पड़े एक अपने कुल देखिए अखन के अवस्था में नेपाल भारत के संबंध इतिहास में इतक नीचा लो लेवल में आज तक ले कहियो नहीं मिल चल और ई काम करे में खड़क प्रसाद ओली हिनकर सरकार हिनकर मंत्री सब हिनकर पार्टी में निश्चित रूप से बहुत ही गैर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह कर नेपाल और भारत के संबंध यद्यपि की सरकारी स्तर से संबंध बिगड़ा से जनता के संबंध नहीं बिगड़े लेकिन अखंड के अवस्था में इतक निचला स्तर में संबंध चल गए सरकारी स्तर के संबंध जे की एक ऊपर लाओ में आप बना वाला सरकार के बहुत दिक्कत आप जो वार्ता से होते उनमें बहुत कठिनाई के महसूस कर इनका खाली भारत से ना यूरोप से इनका संबंध लगभग खराब छ अमेरिका से संबंध इनका निक नहीं छ आज 2 बरस से संसद में आई अथी अथी MCC के करे तो चाइनीज सब इनका कह दे नहीं कर ले तो अपन नौटंकी रचबित रहे चाइनीज के कहे हम नहीं कर अमेरिकन के कहे देखियो हम तो कही के चाहे
हमरे पार्टी के आरंभ में कस हम नहीं मानी है नौटंकी चल रहा है दो हिसाब से तो आई ढंग से ही विदेश नीति के में नेपाल के विदेश नीति आई बहुत ही खराब स्थिति में छे। एक अर्थ दूसर महत्वपूर्ण भागी भ गए जे नेपाल पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया उत्तर कोरिया के जगह पूरा चाइना अलायंस में चाइना के एसोसिएशन में रणनीतिक रूप में पर पार्टनर के भौकर काम कर रहा है। जी आप एक इम्पैक्ट के बात की तो जना कि जन जन के संबंध से नेपाल भारत के नहीं तो व्यक्ति व्यक्ति बीच के संबंध से एक इम्पैक्ट एक तरह अपने कहली कि सरकार अपन कुर्सी बचवालाते कह रहा है लेकिन एक इम्पैक्ट बताबे छी। देखियो सरकार के संबंध शायद दू चार साल में मैनेज होय छे बातचीत भेला पर ठीक भ जाय छे लेकिन आज के दिन में जो भारतीय मीडिया नेपाल के भी किछ मीडिया जुन ढंग से जुलुम जहर से दे रहा है नेपालों के मीडिया भारत के विरोध में एकदम बुझाई छे जे अथिये कोन ने आ तहिना भारत में दू चार टा एहन बकवास मीडिया सब छे नाम नहीं कहब चाहे छी जे कि राति दिन ही बात कहे छे एकर प्रभाव की पड़ते आज तक के संबंध में प्रभाव ही छले जे सरकार सरकार के संबंध बिगड़ल बनल जाकर ठीक बजे छे लेकिन ये मीडिया लेवल से अन्य जन समुदाय में पहुंचला के बाद में लगभग 1520 लाख लोग नेपाल के वार्षिक रूप में भारत में सीजनल लेबर के रूप में काम कर जाइए और उतने लोग एठमन रह के काम करिए प्रभाव पड़ला पर कल भ सके लोग के प्रति नेगेटिव धारणा अगर बन गए तो काम और नौकरी पाओ में काम पाओ में भारत में मुश्किल है। तहिना नेपाल में जे 2-3 लाख लोग करीब 3-3.5 लाख हमरा सबके अंदाज लगे जे भारतीय लोग काम करे छे ओकरो कल एठम दिक्कत हेतु ओकरो संगे अपमानजनक व्यवहार हेतु आ नेपालियो जे जाए छे इंडिया में काम करो ओकरो संगे अपमानजनक व्यवहार हेतु कल काम नहीं भेट के ओकरा सबके कनी सुरक्षा के समस्या इ सब भेला पर इ की हेतु जे बहुत लॉन्ग टर्म में एकरा सुधरते सुधारण में बहुत टाइम लगे जी। एक इम्पैक्ट ही पड़ जाए दोसर इम्पैक्ट पड़ता है जो भारत से नेपाल में कोई तरह के प्राइवेट सेक्टर के लगानी नहीं है। तेसर इम्पैक्ट ही पड़त जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन आहाँ के ढंग में डिफरेंट चीज सब में नेपाल के ढंग के इन्वेस्टमेंट इंडिया से नहीं है। चारिम इम्पैक्ट ही पड़त जो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय मंच सब पर नेपाल के समर्थन के लिए कोशिश करे छले शायद उनमें दिक्कत जी। विजय जी अपने पूर्व राजदूतियों छे पिछला समय में जे हिसाब से चीनिया राजदूत यांशी के विभिन्न शीर्षस्थ नेता सब से भेटघाट जे हिसाब से भेले नेकपा के नेता सब से एकरा किछ हम जोड़ चाहे छी कि जखन भारतीय राजदूत भेटघाट करे छै बहुत किस्म से बात उठैत रहे छै अखन चीनिया राजदूत से ई जे भेटघाट तीव्र गति में भ रहल छै विभिन्न नेता सब से अखन क्यों किछ नै बाजै छै एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै। देखियो हम तखने कहली अहाँके ये संकेत केने छलिए जे भारत के साथ के संबंध के हमेशा एठमन विस्तार बात तक की कहां दुनिया संबंध देखल गई लेकिन चीन के सरकार लगभग आज 2 बरस से चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के और चीनिया नेता सबके प्रयत्न से दोनों पार्टी एक भेल आप कोनो इनुका बात नहीं छी सरकार बचाओ के आज कतेक दिन सब प्रयत्न भ रहल छै आज से 3 महीना पहले ई राजदूत महिला जे छथिन सुंदरी राजदूत छथिन देखा सुनो में बड़ सुंदर छथिन तो ई अपन नेता सबके घर घर गेलखिन राष्ट्रपति से भेटलखिन प्रधानमंत्री से भेटलखिन ओकरा ई सब जे काज छै से सीधे सीधे नेपाल के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नेपाल के आंतरिक निर्णय करे के क्षमता के भी प्रश्न उठ रहल छै जे ई राजनीतिक पार्टी जेकरा लगभग 2/3 से किछे कम बहुमत छे संसद के दोनों सदन में वही राजनीतिक दल के
आंतरिक व्यवस्थापन, सरकार के आंतरिक व्यवस्थापन में चीनिया राजदूत सक्रिय, घर घर घूम कर जाकर कहियो माधव जी के, कहियो प्रचंड जी के, कहियो ओली जी के, कहियो विद्या भंडारी जी के। तो अपने राजदूत भक काज नेपाल के परिप्रेक्ष्य के बात है कि जना के चीनिया राजदूत एक कोनो पार्टी के विवाद मिलो वाला एना के सक्रिय होना है, एक बात अपने कहलिए। अपने राजदूत बन चुकल छी, राजदूत के अनुभव छै, विदेश के अवस्था के विदेश में केना होय छै, वास्तव में कोनो भी राजदूत इजी रहै छै, प्रधानमंत्री से भेट जाए, पूर्व प्रधानमंत्री जाके भेट ली या कोनो पार्टी के, सिंपल बात नहीं छी ई, ओना जाकर कोई प्रधानमंत्री के भेंट कर ले जेना ई महिला भेटै छथिन या आरो देश के राजदूत से भेटै छै तेना ओठन नहि होय छै। यो कोनो शक्तिशाली राष्ट्र सबके किस राजदूत सबके मौका जरूर भेटै छै, लेकिन नेपाल के राजदूत के सब बीजिंग में नहीं भेटै छै, प्रेसिडेंसी से नहीं भेंटघाट होइ छै, चाइनीज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से नहीं भेंट होइ छै। जल्दी से अहाँ के भारत में तो कनी मनी कोशिश कला के बाद में प्रधानमंत्री मंत्री सब तो भेंट भइयो जाइ छै नेपाल के राजदूत के, लेकिन बीजिंग में नहीं होइ छै। एक बात, दोसर बात, नेपालो हैसियत नहीं रखै है। सीधे सीधे चीनिया सरकार, चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल के सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ये नेपाल के सार्वभौमिकता किस हद तक ओकर व्यवस्थापन आग चीन सरकार कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के ट्रेनिंग, सेंट्रल लीडर के ट्रेनिंग, व्यवस्थापन भी चीन के सरकार और चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी कर रहा है। नेपाल में राष्ट्रवाद के नाम से विदेशी हस्तक्षेप कहकर कम्युनिस्ट सब नेपाल में जो झंडा बुलंद करने चले, आई प्रश्न के जो उत्तर देव के समय आ गए नारायण मन विजुक्षे के, खड़क प्रसाद ओली के, पुष्प कमल लाल प्रचंड के, माधव कुमार नेपाल के, मामदेव गौतम के, झलनाथ खनाल के, ये सब आप जवाब दो जो कथी छे। नेपाल अपन नेपाल के पार्टी सब के अपन क्षमता नहीं है, या तो सवैतिक दरिद्र भवे निर्णय कर में कि अपन निर्णय कर के हैसियत दोसर देश के बेच आप नेपाल के परराष्ट्र नीति नॉन अलायंस छे कि नहीं, नेपाल आप नॉन अलायंस रहते कि नहीं रहते, आप चीन के संगे नेपाल एक संलग्न राष्ट्र बन गए, अखंड अवस्था देखला के बाद में ये देखाई है जो चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहल गए जहिया राष्ट्रपति सी जिनपिंग नेपाल एलखिन, वही समय में कहल गए अक्टूबर 2019 में 12-13 तारीख के जहिया नेपाल एलखिन तो कहल गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी, ये रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर रणनीतिक अलायंस, इस संलग्नता अर्थात अलायंस बिल्ड भ गए, इस संगठन बन गए नेपाल और चीन, एकर जवाब नेपाल के संसद में और नेपाल के सरकार के और नेपाली जनता के देखो एकर जवाब दिया पड़ते जी। अंत अंत दिशियो चल रहल छी, आब के की देख रहल छी भविष्य, पार्टी के बात करी, सरकार के परिवर्तन होते या नहीं हेते, की हेते की अपने के अनुमान, काल तक के अवस्था, मतलब काल भिनसर तक के अवस्था एक तरह है, अब काल भिनसर के बाद में जखन चीनिया राजदूत सबके घर घर घूमे लगलखिन है ओकरा बाद के अवस्था परिवर्तन हो, खड़क प्रसाद ओली जी के रिजाइनेशन न भई के काम चला वाला स्थिति नहीं रहे, आई 11 बजे बैठक होते, 11 बजे के बैठक के बाद में निर्णय होते आई से काल तक, या सेंट्रल कमिटी काल परसों बैठ के निर्णय करे, लेकिन अब यह अवस्था आ गया है जो आप तेसर शक्ति में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत पावरफुल शक्ति है, ओकर दौर धाक लोभ लालच में नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल सरकारी पूरा यंत्र इस सब वैसे प्रभावित भ गए। आप एकर आप अगर चीन मैनेज कर देते तो ओली जी प्रधानमंत्री रहता, अगर चीनिया मैनेजमेंट भी फेल भ गए तखन भ सके नहीं रहे, अब निर्णय चीन हाथ में जाए, नेपाल के हाथ में या नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी या नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हमरा आई बजलो अपन टीवी में।
दर्शकवृन्द ओ छलथि विजयकान्त कर्ण, पूर्व राधु तथा प्राध्यापक। आइ हुनका सँ बातचीत करै छलियै पछिला राजनीतिक घटनाक्रमके विषयमे। बेस त नमस्कार।